नमस्कार, आप देख रहे हो बीएच न्यूज नेटवर्क। कभी दुष्कर्म पीड़िता की मदद कर सुर्खियों में आया था और अब 19 नाबालिगों से कुकर्म के लगे आरोप। गिरफ्तार हुआ पाखंडी ढोगी आचार्य राहुल। आपको बता दें कि उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित गुरुकुल दंडी आश्रम में 19 नाबालिगों के साथ कुकर्म के मामले ने सभी को हैरत में डाल दिया है। इस मामले में महाकाल पुलिस ने देर रात आश्रम के एक आचार्य और सेवादार पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर फरार सेवादार अजय ठाकुर को भी पकड़ लिया गया। आरोपी आचार्य राहुल शर्मा कुछ समय पहले दुष्कर्म पीड़िता की मदद करने के मामले में सुर्खियों में आया था। अजय ठाकुर को कल देर रात सीहोर जिले के आष्टा से गिरफ्तार किया गया। महाकाल पुलिस के अनुसार 30 साल से संचालित हो रहे गुरुकुल दंडी आश्रम में बच्चे वेद अध्ययन कर्मकांड पंडिताई सीखने आते हैं। वर्तमान में यहां 140 बच्चे पढ़ने के लिए अलग अलग शहरों से आए यहीं रहते हैं। इनमें उज्जैन सहित देवास, राजगढ़, मंदसौर आदि शहरों के बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 11 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। बता दें कि चैत्र नवरात्र के समय कुछ बच्चों ने अपने माता पिता से आश्रम में हो रही हरकतों के बारे में बताया था। सेवादार अजय ठाकुर पर आरोप भी लगाए गए थे। सृजन ने आश्रम के संचालक गजानन सरस्वती से बात भी की। इस पर सरस्वती ने अजय ठाकुर को आश्रम से निकाल दिया था। आश्रम के कुछ बच्चों द्वारा अपने माता पिता से शिकायत के बाद अभिभावक एकजुट हो गए। सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तय किया कि सभी आश्रम जाएंगे और बैठक करेंगे। इसी दौरान कुल 19 बच्चों ने सेवादार अजय ठाकुर के साथ आश्रम में पढ़ाने वाले आचार्य राहुल शर्मा का नाम लिया। बच्चों ने इनकी सारी करतूतें सामने रख दी और कहा कि ये दोनों बच्चों को अपने कमरे में बुलाते और गलत हरकत और छेड़छाड़ करते थे। इस पर स्वजन भड़क गए। इसके बाद आश्रम संचालक गजानन सरस्वती ने राहुल शर्मा को आश्रम बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शर्मा को हिरासत में लेकर देर रात उसके और अजय ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपी अजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि आरोपी अजय ठाकुर को कब तक सजा मिलेगी या ऐसे ही योगी मोदी की सरकार में इन ढोगी संतों को बढ़ावा मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएच न्यूज नेटवर्क।